का जो 2,90,00,000 का जो बजट हुआ, वो उस बजट के सिलसिले में केसीआर साहब के जो इकदाम थे उसको काबिल सताइश है, क्योंकि हम विकला की जानिब से, एडवोकेट फोरम फॉर जस्टिस की जानिब से हम केसीआर साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके लिए 1,662 करोड़ रुपये जारी किए। काबिल मुबारकबाद है हम केसीआर साहब का, तेलंगाना गवर्नमेंट का, के टी रामाराव साहब का, हरीश राव साहब का, फाइनेंस मिनिस्टर का, और ख़ास करके विनोद कुमार साहब का भी हम बेहद ममनू मशकूर हैं। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने जिन चीज़ों के लिए ये बजट जारी किया वो बहुत ही अच्छा इकदाम है, क्योंकि इस इकदाम से तेलंगाना के नए विकला जो भी एडवोकेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कायम होंगे। हम बेहद ममनू मशकूर हैं, ख़ास करके तेलंगाना एक वाहिद ऐसी रियासत है जहाँ पर किसी मुल्क में, किसी दूसरी रियासत में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ पर केसीआर साहब ने विकला के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए। ना सिर्फ 100 करोड़ रुपये, वो 100 करोड़ में भी केसीआर साहब ने 100 करोड़ रुपये जारी करते हुए तकरीबन 8,000 चिल्लर विकला को उससे फ़ायदा भी हुआ। 33.89 करोड़ रुपये उस पर स्पेंड भी हुआ, और हम केसीआर साहब के इस बात के भी शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 22,000 से ज्यादा विकला ने आज उनको हेल्थ कार्ड भी दिया गया, उनके फैमिलीज को दिया गया, ना सिर्फ वकील बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी दिया गया, और ना सिर्फ हेल्थ कार्ड है बल्कि उसमें इंश्योरेंस भी है, बीमा भी कराई गई। हम बेहद ममनू मशकूर हैं, क्योंकि ये ऐसी नई मिसाल है कि रियासत तेलंगाना में के सिवा कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि मरकजी हुकूमत ने ऑल इंडिया बार काउंसिल को लिया, ना किसी ऐसा कोई ट्रस्ट कायम किया, जिससे तेलंगाना रियासत एक वाहिद रियासत है जहाँ पर हम केसीआर साहब के ममनू मशकूर हैं जिन्होंने विकला के लिए एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट कायम करते हुए उनको इतने बड़े पैमाने पर फायदे पहुँचा रही है। मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ, और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ मैं। 1700 चिल्लर हमारे कोर्ट्स के नए पोस्ट को जो क्रिएट किया केसीआर साहब ने, नए पोस्ट का जो अब नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए भी मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ। जो बहुत ही अच्छा हरीश राव साहब को एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक तालीम याफ्ता एक फाइनेंस मिनिस्टर को लेते हुए केसीआर साहब ने बहुत अच्छे पैमाने पर यानी कोर्स को और दीगर चीज़ों को जिस तरीके से बजट तकसीम किया, काबिल मुबारकबाद है, और इससे दूसरी रियासतों को और मरकजी हुकूमत को सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ये वाहिद रियासत है। और मैं मरकजी हुकूमत से भी ये इस बात की गुजारिश करूँगा कि मरकजी सतह पर भी आप एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट का ख़याम अमल में लाएँ, और जिन विकला जो विकला मुस्तहिक है उनको इंश्योरेंस कार्ड भी दिया जाए, और उनकी यानी बीमा या इंश्योरेंस उनको बनाकर दिया जाए, और मरकजी लेवल पर हेल्थ कार्ड दिया जाए, क्योंकि आज विकलाओं की बदौलत ही यानी इसका दस्तूर चलता है हिंदुस्तान का, और विकला का बहुत बड़ा रोल रहा तेलंगाना स्ट्रगल में भी। केसीआर साहब की आवाज़ को विकला ने आवाज़ में आवाज़ मिलाकर तेलंगाना तहरीर के लिए अपने आप की और अपनी कुर्बानी अपने माली ताउन के जरिए हर तरीके की कुर्बानी विकला ने दी। मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ तेलंगाना हुकूमत का, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हमको उम्मीद है कि केसीआर साहब की हुकूमत कायम होगी, और केसीआर साहब आइंदा आने वाले दिनों में विकला को बड़े पैमाने पर और ट्रस्ट को भी पर जारी करेंगे। जज़ाकअल्लाह।